अदा शर्मा की मूवी द केरल स्टोरी रिलीज से पहले ही विवादों में आ गई है। इसको लेकर हंगामे के सुर अब तेज हो रहे हैं और इसी बीच फिल्म के प्रोड्यूसर ने एक बड़ा बदलाव किया है। फिल्म का नया टीजर रिलीज किया है जिसमें इंट्रोडक्शन के टेक्स्ट में चेंजेस किए गए हैं और इससे पहले लिखा था केरल से 32,000 महिलाएं गुमशुदा हुई थी, अब बदलाव के बाद इसे 32,000 से 3,000 कर दिया है। ये औरतें ब्रेन वॉश के बाद इस्लाम कबूल कर लेती हैं और बाद में उन्हें हकीकत पता चलती है, उन्हें आतंकी बनने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। जिस दिन द केरला स्टोरी का टीजर सामने आया था उसी दिन इसको लेकर बहस छिड़ गई थी और इस फिल्म को बैन करने की मांग होने लगी थी। विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने कहा उनका रुख स्पष्ट है और आज़ादी के अभिव्यक्ति के नाम पर वे किसी को भी अफवाहें फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे, इससे उचित तरीके से निपटा जाएगा और वे पहले ही फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की कह चुके हैं। केरल हाई कोर्ट के सामने एक याचिका भी दायर की गई जिसमें मूवी की स्क्रीनिंग को बैन करने की मांग की गई।